बीएसएनएल दफ्तर में वाहन किराए में लगने का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी को दुर्ग जिले की एसीसीयू की टीम ने एफआईआर दर्ज होने के बाद 24 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी यमन नायक ने कोतवाली थाना दुर्ग में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उसे बीएसएनएल दफ्तर में किराए पर गाड़ी लगवा देने का आश्वासन देकर एग्रीमेंट करने के लिए दुर्ग कोर्ट परिसर बुलवाया था, जहां से 6,500 रुपए और उसका महंगा मोबाइल लेकर वह फरार हो गया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एसीसीयू की टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी मोहम्मद नसीम को शंकरनगर छावनी से गिरफ्तार कर उसके पास से 600 रुपए नगद व 1,15,000 रुपए कीमत का मोबाइल जब्त कर लिया है। दुर्ग कोतवाली थाने में हमें 1 तारीख को सूचना मिली थी, एक व्यक्ति द्वारा वहां पर रिपोर्ट लिखवाई गई थी कि एक व्यक्ति द्वारा उसे कॉल किया गया था और उसकी जो टाटा गाड़ी जो है, जो वो बुकिंग पर चलाता है, उस गाड़ी को बीएसएनएल की ऑफिस में बुकिंग में 40,000 रुपए में लगवाने का उसने उनको आश्वासन दिया था और उनको कलेक्टर परिसर में बुलाया था। वहां पर आदमी के द्वारा जाने के बाद इस आदमी के द्वारा उससे उसके डॉक्यूमेंट लिए गए थे और 6,500 रुपए लिए गए थे एवं उसका फोन जो है वो लेकर वो आदमी कलेक्टर परिसर के अंदर गया था काम करवाने के बहाने से और वहां से वो आदमी फरार हो गया था ये पैसे और मोबाइल लेकर। इसी के तारतम्य में हमारे पास कंप्लेन आई थी और साइबर एवं दुर्ग की जो टीम है वो इस मामले में लगी हुई थी। तत्संदर्भ में ये पता चला कि ये व्यक्ति जो है वो सीसीटीवी फुटेज एवं सीडीआर के एनालिसिस के बाद पता चला कि ये व्यक्ति जो है वो छावनी क्षेत्र में कहीं रहता है, तो दबिश देकर उस व्यक्ति को पकड़ा गया और उससे मोबाइल एवं पैसे जो है वो बरामद किए। नहीं, इनका कोई पहले का अभी आपराधिक प्रकरण सामने नहीं आया है, पर उस पर जा